हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ दही वाली अरबी। अगर आप एक ही तरीके से अरबी खा खा के बोर हो गए हैं तो ये वाली अरबी ज़रूर ट्राई करिए। बनाने में भी बहुत आसान है और एकदम से बन जाती है। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो मैंने क्या करा है, अरबियों को धो लिया है, इसकी मिट्टी निकाल ली है। अब कुकर में डाल देंगे इसे, आधा गिलास पानी डाला है इसमें मैंने। अब इसे गैस पर चढ़ा देंगे और हमें सिर्फ धीमी आँच पर एक सीटी लगवानी है बस, और गैस को कर देंगे बंद और इसका प्रेशर एकदम निकाल देंगे, नहीं तो ये अरबी क्या होता है ज़्यादा जल्दी गल जाएंगी और गलने के बाद ये बेकार हो जाएंगी। तो इन्हें एक सीटी लगवाने के बाद निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद मैंने इन्हें छील लिया है। छीलने के बाद इस तरीके से पीस में आप काट दीजिए। तो ये कट के तैयार हो चुकी हैं। अब लेंगे मट्ठा। आप चाहें तो आप दही का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ ले रही हूँ मट्ठा। तो एक गिलास मट्ठे का यूज़ किया है मैंने। पहले तो मैंने आधा गिलास डाला है, उसमें डाला है बेसन, क्योंकि गाठे हो जाएंगी इसलिए थोड़ा सा पहले मट्ठा लेंगे। उसमें बेसन डाला है 2 चम्मच बड़ी भर के, और इस तरीके से आप चला सकते हैं। मिक्सी में डाल के बहुत आसानी से चल जाता है, ये मिक्सी में डाल के आप चला सकते हैं। बाकी बचा हुआ मट्ठा डाल दिया है मैंने। फिर उसमें डाली मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब ये मिक्स करने के बाद अब कढ़ाई में चढ़ाएंगे हम तेल। सरसों का तेल ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे अजवाइन, क्योंकि ये जीरे में नहीं चुकेगी, अजवाइन में चुकेगी अरबी, तो बहुत बढ़िया लगती है। और इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे अरबी और अरबी को भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। 1-2 मिनट भूनना है सिर्फ। अब अरबी भी भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मट्ठा तैयार किया था वो डालेंगे। और आप जब मट्ठा डालेंगे तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे चलाइए। चलाने के बाद फिर हम गैस को जला देंगे और मीडियम आंच रखनी है हमें, और इसे चलाते रहना है जब तक उबाल ना जाए। तो हमने नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा नमक खाते हैं आप नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और दोस्तों इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि बीच में नीचे ना लगे, तो हमें इसे लगातार चलाना है। और ये देखिए उबाल भी अच्छी तरीके से आ गया है और ये गाढ़ी हो गई है। तो ये लगभग बनके तैयार हो गई है हमारी सब्ज़ी। अब इसमें हम डाल देंगे हल्का सा गरम मसाला और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो गरम मसाला डालते ही अब इसमें और स्वाद लाने के लिए हम लगाएंगे तड़का। तो हमने ले लिया है सरसों का तेल और उसमें अजवाइन डाली है थोड़ी सी, और लाल मिर्च डालेंगे और इसमें लगा देंगे तड़का। इस तड़का के लगने से और ये सब्जी बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे रोटी या पराठों के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में इतनी इजी है। सिर्फ ये उबालनी है और दही या मट्ठे से आप बना सकते हैं। इसे बनाने में भी इतनी आसान है। अगर आप एक ही तरीके की सब्जी खा के थक गए हैं, मसाला अरबी या वो तरी वाली अरबी इस तरीके से बना के, तो ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी